हरदा कलेक्टर और एसपी ने किया निरीक्षण, डिमरनी शहर का और पत्रकारों से की चर्चा। लॉकडाउन के चलते आज हरदा जिले के कलेक्टर और एसपी ने डिमरनी शहर में आकर स्वयं निरीक्षण किया और बैंकों का निरीक्षण के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक मैनेजर को सोशल डिस्टेंस पालन करवाने और शीतल जल की व्यवस्था करने व सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और टिमरनी शहर के पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान पत्रकारों ने टिमरनी शहर की स्थिति को बताया। साथ में वरिष्ठ पत्रकार योगेश तिवारी ने ज्ञापन देते हुए पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की और शराब की दुकानों पर जो सोशल डिस्टेंस पालन न होने की स्थिति कलेक्टर महोदय जी के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। संवाददाता अमित बिल्ले, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। सभी को ध्यान रखने की जरूरत है और जैसा कि लगातार कलेक्टर में चल रहा है कि रूट और टाइम से केस पर बहुत बढ़ेंगे, जैसे बारिश शुरू होगी, बारिश के टाइम में आप लोग के यहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा चलती है, इससे पॉसिबिलिटी है कि सबको सावधानी रखने की जरूरत है और मास्क तो कंपल्सरी है। कैरियर केवल ह्यूमन बॉडी, कोरोना वायरस का कैरियर केवल ह्यूमन बॉडी है। अगर मानव शरीर में और मानव शरीर से दूसरे मानव शरीर को जाता है, अगर हम मास्क लगाएंगे और जाने का जरिया है मुँह और नाक के, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव भी है उसके बहुत पास में भी खड़े हैं, अगर हमने मुँह और नाक कवर कर रखा है तो वायरस नहीं है, और हाथ हाथ में दिल आए तो हमने हैंड वॉश कर लिया, खत्म हो गया। इन चीज़ों को ही अगर करना सभी लोग समझ रहे हैं, जैसे अभी अभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं है तो आगे गवर्नमेंट विभिन्न पत्रकार साथियों को बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा धमकी दी जा रही है, जबकि हम चिमंडी नगर के सभी पत्रकार साथी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे धमकाने वालों पर कुछ कार्रवाई की जाए। ये महामारी राष्ट्रपति महोदय के नाम का ज्ञापन हमारे जिले के कलेक्टर महोदय को दिया जा रहा है। पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने वालों पर उचित कार्रवाई एवं पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने बाबत निवेदन है। पत्रकारों को आए दिन धमकियाँ मिलती हैं, पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा धमकियाँ देने वालों पर उचित कार्रवाई की जाए। डी न्यूज़ के संपादक श्री सुधीर जी को पाक द्वारा दी गई धमकियों का